चलो जी चलते हैं अभी कसोल। अरे यार अरे भाई साहब, अब इसको उतारने में और भी दिक्कत है। हमेशा इस तरह की जगह पे ना गाड़ी को हमेशा गियर में रखो ताकि बंद भी हो तो रुक जाएगी, और दोनों ब्रेक पे हाथ भाई, क्योंकि अपनी बाइक है भारी, काफी वजन है ना इसमें, और स्टीयरिंग को टाइट पकड़ो वरना बाइक आपको कंट्रोल करने लग जाएगी ना तो गिर जाओगे। अरे भाई साहब ये कहाँ जगह देंगे हमें। चलो आप। ओह फाइनली थोड़ा तो रोड अच्छा है, चलाने में इजी रहेगा। ओह अरे ये फिर से आ गई कीचड़ यार। ओह इस साइड में ले लेते ना, उस साइड में तो नहीं बनेगी बात। फिर से कीचड़। अरे भाई अरे भाई हाँ आराम से जाएगी, ऊपर जाएगी आराम से। You can go easily. क्या? बंदा अपनी बंदी के साथ, वो भी इतने ऊपर पहाड़ पे। हम तो सिंगल ही हैं भैया, सिंगल ही घूमते रहते हैं। एक वो छोटा भाई है शिवा, वो हरामखोर, उसके अपने नखरे हैं लड़कियों की तरह। रास्ता देखना आपको, ये जो सामने रास्ता देख रहे हो ना, इधर से जाना अपने को। चल चीते क्या व्यू है यार, ब्यूटीफुल देखो तुसी। गाइस सेब देखो आप, कितने सारे सेब हैं, लदे पड़े हैं भाई। ये देखो छोटे मियाँ। हेलो हेलो कैसे हो, ठीक हो? बाय बच्चों। अगर आप बिजली महादेव मंदिर आते हो ना, तो कम से कम आपका एक दिन तो मान ही लो, एक दिन तो नहीं बोलूंगा मैं, कम से कम 6 घंटे आराम से आपको लग जाएंगे। क्योंकि भाई कि ऐसा है ना, आप एक तो पहाड़ चढ़ के आओगे, बाइक चलाओगे आराम आराम से, पहला एक्सपीरियंस होगा आपका जिसने ऐसे हिली एरिया में राइड नहीं किया उसको। और दूसरा ये है कि आप आई गए तो अच्छे से उस चीज का लुत्फ उठाओ, उस चीज को फील करो ना, काफी टाइम स्पेंड करो पहाड़ के ऊपर। और एक और चीज बताता हूँ, मंदिर में एक छोटी सी खिड़की है, आप जब मंदिर जाओगे तो आप देखोगे छोटी सी खिड़की है बिल्कुल, वहां से बिजली गिरती है और जो शिवलिंग है वो टूट जाता है, बाद में मक्खन से उस शिवलिंग को जोड़ दिया जाता है। गाइस कसोल पहुंच चुका हूं मैं, कसोल में होटल तो ले लिया, इसके बाद आना मणिकर्ण चलते हैं, वहां पे कह रहे हैं नहाने वाने का अच्छा है गर्म पानी का, तो मणिकर्ण चलते हैं। 3 किलोमीटर पास में ही है, आराम से हो जाएंगे, अभी तो 3:30 हुए हैं। फिलहाल मैं आपको रूम दिखाता हूँ मेरा। पानी, ये अपना बैग, हेलमेट और ये बेड, शाही बेड, ये अलमीरा। देखो ये रूम है ना, काफी बड़े हैं और थोड़ा महंगा भी है, 200 रुपये महंगा पड़ा मुझे, 700 रुपये का पड़ा। लेकिन ये कपल्स वगैरह के लिए, दो बंदे हों जब ठीक है, नहीं तो एक बंदे को थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है। बट ये अभी सस्ता दे दिया क्योंकि रेनी सीजन है, टूरिस्ट कम है, बस व्यू नहीं है कोई भी, तो मार्केट है कसोल वाली। अभी फिलहाल थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, देन फिर बाइक लेके निकल जाते हैं अपन कहाँ, मणिकर्ण शाही। फोन वोन चार्ज कर लेते हैं, फिलहाल फटाफट मणिकर्ण चलते हैं। और मणिकर्ण मैं आपको गुरुद्वारा दिखाता हूँ, सामने गुरुद्वारा है, सामने ही राम मंदिर है और सामने ही शिव मंदिर है। जब आप रास्ते से अंदर आओगे तो ये फ्री पार्किंग, आई थिंक यहाँ पे आप अपनी गाड़ी और कार बाइक जो भी है आप पार्क करें, वहाँ से आप जब आप व्हीकल अपने खड़े कर दोगे ना तो वहाँ से आप ऐसे, ये गुरुद्वारे का रास्ता है जी, लंगर भी अच्छा हो। ये देखो जी तुसी, ये है गुरुद्वारा ते ये है राम मंदिर, आई थिंक पूछते हैं। बाकी पानी देखो कितना तेज बह रहा है भाई जी,
भाप कहाँ से निकल रही है ये पानी की, वो देखो गाइज। दरबार साहब के लिए आप सीधा जाएं और गुरु का लंगर भी और रूम बुकिंग भी आपको मिल जाएगी, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये थे लंगर लगा है। गाइज आप पानी की आवाज़ सुन सकते हो ना, कितनी तेज़ बह रहा है भाई। अभी अभी ज़्यादा बारिश हो रही है वैसे तो, ऊपर देखो वो सामने होट बात टब है, पूल है जो धरती से पानी निकल रहा है ना गर्म, वही जो ऋषि मंदिर में था ना, जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ है यहाँ पे भी। भाई पहले अपन लेंगे बात जो गर्म पानी का है और उसके बाद अपन लंगर खाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये गर्म पानी है ये धरती से ही आ रहा है भाई, मैं इतनी बार बता चुका हूँ फिर भी मैं सोचा पास जाके दिखाऊँ। इतना गर्म पानी है, नहाना तो दूर की बात है, आप 10 सेकंड इसके अंदर है ना हाथ नहीं रख सकते। अभी अपन जाके लंगर लेते हैं। लंगर में खाने का अलग ही स्वाद होता है भाई। लंगर की रोटी, लंगर के चावल, लंगर की दाल, लंगर की कढ़ी, अलग ही टेस्ट है भाई, अलग ही फ्लेवर आता है, कहते हैं रब दी रोटी वो है जी। गाइस एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, मैं जैसे मैंने कसोल में रूम लिया 700 रुपये का भाड़ा, आप मणिकरण साहिब कसोल से 3 किलोमीटर है, मैंने आपको पहले ही बताया। मणिकरण साहिब जब आप आते हो ना गुरुद्वारे में, तो गुरुद्वारे में आपको रूम आराम से मिल जाएंगे और बाकी यहाँ पे सारे होटल भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं बहुत सारे, लेकिन आप गुरुद्वारे में ही रुकें क्योंकि गुरुद्वारे में अगर कुछ पैसे दे के भी रुकोगे तो वो गुरुद्वारे में ही काम आने हैं और कहीं नहीं जाते। गाइज हर एक जगह का अपना एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अच्छी जगह है कसोल भी और मणिकरण साहिब, दोनों अच्छी जगह है। मणिकरण साहिब में तो यूँ है खाना फ्री, रहना फ्री, सब फ्री है भाई। तो चलो जी चलते हैं अभी अपने रूम, वैसे बारिश हो रही है हल्की हल्की। दिस इज कसोल गाइज, क्या क्या है यहाँ पर।